नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीके मॉल के रहा। मेरा नाम है सीके। दोस्तों, अभी जो एमटीके वाले जो इतने भी सीपीयू हैं उनका जितना भी अपडेट इस समय है, तो जितने भी फ़ोन हैं वो प्रो लोडर पोर्ट पे कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसके आगे जैसे अभी आपको अनलॉक करना है तो अनलॉक नहीं कर पाएंगे, FRP करना है तो FRP नहीं कर पाएंगे, MI अकाउंट अनलॉक करना है तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मीडियाटेक पोर्ट बना ही नहीं रहा है, प्रो लोडर पोर्ट बना रहा है। ठीक है, तो जब तक प्रो लोडर पोर्ट बना रहा है तब तक आप कोई फ़ोन अनलॉक नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों के टूल पे अपडेट नहीं होती है कि हम लोग प्रो लोडर पोर्ट के बाद भी बाईपास कर सके। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाऊंगा कि ये फ़ोन किस किस टूल से हो रहा है, किस किस टूल से फेल्ड हो रहा है, ये आपके सामने बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। तो पहले मैं अनलॉक टूल से एक बार फ्लैश करूंगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर इसके बाद जो अनलॉक टूल पे भी मेटा मोड से फ्लैश करने के लिए बहुत ही अच्छा स्टेप है, वहाँ से कोई भी फ़ोन को फाइल से मतलब कनेक्ट करके किसी भी फ़ोन को फ्लैश किया जा सकता है मीडियाटेक वाले को। लेकिन वहाँ पे भी अभी सिक्योरिटी पैच अपडेट होने के कारण जो है वो फ्लैश नहीं हो रहा है, जंपिंग बी रोम पे अटक जाता है। तो अभी जो UMT का एक अपडेट आया है वर्जन 1.5, MTK का लेटेस्ट वर्जन जो अपडेट आया हुआ है उसमें बहुत ही अच्छी खूबी अपडेट की गई है। उस पर अपडेट ये आई है कि किसी भी प्रो लोडर फ़ोन को वहाँ से आसानी से आप फ्लैश कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, FRP अनलॉक कर सकते हैं और MI अकाउंट अनलॉक कर सकते हैं, मतलब मीडियाटेक में जितने भी फंक्शन हैं तो प्रो लोडर बाईपास करने की उस पर है, जो अपडेट पे है वो फ़ोन हो गए, बाकी जो लेटेस्ट CPU हैं तो वो अपडेट पे नहीं है तो वो नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने पहले अनलॉक टूल से करने की कोशिश की तो ये नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने UMT का इस्तेमाल किया तो हो गया है। तो ये वीडियो आपको एक समझाने के उद्देश्य से मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों का टाइम बचे। और जैसे मैंने अभी अनलॉक टूल से किया तो अनलॉक टूल से नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट आप UMT पे वर्क कर सकते हैं। तो मैंने ये दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और आप इस वीडियो को देखने के बाद जो है एक सही फैसला लें कि मुझे करना किससे है। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, और अगर आप विंडो 10 या विंडो 11 चला रहे हैं तो आपको एंटीवायरस को डिसेबल करना होगा और अपने कंप्यूटर पे कोई भी वायरस प्रोटेक्शन ना ऑन करें, क्योंकि वायरस प्रोटेक्शन अगर ऑन है तो जो फाइल होती है तो कुछ वायरस फाइलें होती हैं जो कंप्यूटर के माध्यम से वो डिलीट हो जाती हैं, और वो फाइल जैसे ही डिलीट हो गई तो फ़ोन में कई प्रकार की प्रॉब्लम सामने दिखाई देती है कि फ़ोन हैंग उन लोगों पे अटक गया, या तो डेड हो गया, या तो MI लिख कर बस आ रहा है तो वगैरह वगैरह, या फ़ोन ऑन होने पे कुछ एरर दिखा रहा है, तो ये कई सारी प्रॉब्लम को देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ों को फोकस करना है, अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना है आप लोगों को, ताकि कोई गलती से भी गलती ना हो। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है या कोई प्रॉब्लम फंस रही है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपका पूरा रिप्लाई दूंगा। तो मैंने अभी यहाँ पे मिराकल पावर टूल का भी इस्तेमाल किया है तो मिराकल पावर टूल से भी फ्लैश नहीं हो रहा था, क्योंकि ये प्रो लोडर का जो पोर्ट है वो जंप नहीं कर रहा था। और फिर इसके बाद मैंने अनलॉक टूल से किया तो अनलॉक टूल से भी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद मैंने UMT वाला मेथड यूज किया तो UMT से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी बेस्ट UMT का जो अपडेट आया है वो ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे, कि UMT वाले ने बहुत ही अच्छी अपडेट दी, जो फ़ोन नहीं हो रहे थे वो हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो नया नया बना बना के लाता रहूं और आप लोगों का काम करता रहूं। ठीक है।
तो यहाँ से देखिए मैंने फ़ाइल को ले भी लिया है। फाइल को लेने के बाद यहाँ से मैं राइट पे क्लिक करूँगा, लेकिन वो राइट नहीं हो रही, फेल्ड हो जा रहा है, बी रोम बाईपास नहीं कर पा रहा है। ठीक है, आपके सामने वीडियो पूरा लाइव चल रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। दोस्तों मैं आपसे फिर से एक बार कह देता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग हमारा सपोर्ट करते जाइए, हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बना बना के लाएंगे। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, या आप हमको कमेंट करके कि ये बता सकते हैं कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, उसके बारे में भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो आपके लिए वो वीडियो बनाने की मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ठीक है, अभी मैंने मिराकल पावर टूल क्लोज कर दिया है, अभी मैं अनलॉक टूल ओपन करके एक बार देखता हूँ। अनलॉक टूल मेरा लॉगिन नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने अभी एक सब्सक्राइबर का फ़ोन अनलॉक किया था, जिसके कारण वो वहाँ पे लॉगिन दिखा रहा था, इसलिए टाइम लग रहा है। अब यहाँ पे जो UMT का सपोर्ट एक्सेस सपोर्ट जो रहता है, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे UMT का जो MediaTek का लेटेस्ट अपडेट आया है, ये देखिए 0.5 का अपडेट आया है जो, तो इसको मैं डाउनलोड करूँगा। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करूँगा और आपके सामने दिखाऊँगा कि ये कैसे बी रोम को, मतलब प्रो लोडर पोर्ट को बाईपास करता है। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझिएगा।